तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिलीवरी हो रही है ऑल न्यू रॉयल एनफील्ड की हंटर 350 के बिल्कुल ही लेटेस्ट 2024 वाले मॉडल की। और यहाँ पे फ्रेंड्स अभी आपको हम डिटेल्स में बताने वाले हैं इस बाइक का क्या ऑन रोड प्राइस जा रहा है, कितने डाउन पेमेंट में बाइक अभी यहाँ पे परचेज हुई है, क्या कुछ EMI रहेगा। तो यहाँ पे हमारे साथ है रोहित भैया। तो रोहित भैया थोड़ा ये बताइए कि बाइक का अभी ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है? बाइक का ऑन रोड भाई लगभग 2,03,000 के आसपास है। ठीक है, और अभी बाइक का जो डाउन पेमेंट है वो कितना अभी इन्होंने किया है? 90,000 का अप्रोक्स डाउन पेमेंट हुआ है। 90,000 और EMI क्या बना है? EMI 4,200 के अप्रोक्स है। 4,200 रुपये कितना मंथ का? 36 मंथ का, मतलब 3 साल का। तो यहाँ पे 3 साल का फ्रेंड्स EMI आपको हमने बता दिया है। बाकी ओवरऑल में अभी यहाँ पे फ्रेंड्स आपको हम फुल डिटेल्स बताएंगे कि यहाँ पे क्या क्या एक्सेसरीज लगा हुआ है, क्या कुछ उनकी कॉस्टिंग है। तो वीडियो को आप पूरा देख लें और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि कोई भी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस और बाइक अपडेट्स आपकी मिस ना हो। तो रोहित भैया सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि बाइक में क्या क्या एक्सेसरीज अभी लगा हुआ है और क्या कुछ उसका प्राइसिंग है और टोटल कॉस्टिंग डिटेल्स आप हमें बता दें। बिल्कुल, ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं रेबल ब्लैक टॉप मॉडल है हंटर का, ये गाड़ी फुल फिटेड है। इसमें ऑलमोस्ट आपका जितना भी लगना था जो भी एक्सेसरीज सारा फिट किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आपको देख लीजिए प्रोटेक्शन का लेग गार्ड लगा हुआ है। ठीक है, ये लार्ज लेग गार्ड है, इसके आपको प्राइस आता है 3,300 रुपये। उसके बाद सामने वाइजर देख रहे हैं, ये विंड स्क्रीन जो है आपका 2350 का RE का जेन्युइन 2350 रुपये का जेन्युइन पार्ट्स है। ठीक है, उसके अलावा आप देख रहे हैं नीचे में इंजन गार्ड लगा हुआ है जिसको सम गार्ड बोलते हैं, इंजन के नीचे कवर कर रहा है ब्लैक वाला। ये आपका 3450 का है। ठीक है, उसके बाद आप पीछे में आप देख रहे हैं बैकरेस्ट लगा हुआ है, ये पैड है, ये आपका इसका टोटल ये आपका ये दोनों मिला के आता है 2,800 रुपये का। 2,800 का, हाँ ठीक है। सीट कवर लगा हुआ है 1,200 का है, 1,200 ये भी रॉयल एनफील्ड का जेन्युइन मोटरसाइकिल एक्सेसरीज है। ठीक है, उसके अलावा आपका इसमें आप देख लीजिए इस साइड में आके ये आपका इसमें चूंकि लेडी फुटरेस्ट ये पोर्शन नहीं आता लगा हुआ, ये अच्छा, रहता है। अच्छा, साड़ी गार्ड आता है, लेडी फुटरेस्ट नहीं आता। हाँ, तो ये अलग से ऐड हुआ है जो कि ये RE का नहीं है, आफ्टर मार्केट लगा हुआ है। RE का अभी तक ये नहीं बना, नहीं बनाई है। ठीक है, तो इसका कॉस्टिंग लगभग ये ऑलमोस्ट आपका भाई जैसा आप लीजिएगा 2-3 तरह का आता है, 500, 800, 1,000 ऐसे रहता है। तो मतलब 500 से 1,000 के बीच में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया लेडी फुटरेस्ट। और अगर हम इन सभी की बात करते हैं तो ये सब क्या है? ये आपका, हाँ इसमें ग्रिल सेट भी लगा हुआ है जाली, ये आफ्टर मार्केट है, RE का नहीं है। ठीक है, इसका कॉस्टिंग? इसका भी कॉस्टिंग वही लमसम जो लेटी फुटरिस्ट का है वही लमसम, मतलब 1,000 के अंदर में ही आ जाएगा। मार्केट का जो रेट होता है ना वो वेरी करता है, उसका कोई एरिया टू एरिया हाँ फिक्स नहीं रहता है। बाकी रॉयल एनफील्ड का है वो फिक्स रहता है, और बाकी 800 कहीं 1,000 कहीं 1,200 ऐसे मिलता है, मतलब वो एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन RE अपना नहीं बनाता है, RE का नहीं आता है। ठीक है, तो अगर हम न्यू मॉडल की अभी बात करते हैं 2024 वेरिएंट में E20 अपडेट्स के साथ जो मॉडल आया है उसमें कंपनी ने चेंजेस क्या क्या किया है? कोई खास चेंजेस नहीं है, E20 जो हमारा अभी एथेनॉल और पेट्रोल है वो इसमें यूज कर सकते हैं आप। ठीक है, बाकी जो है एज इट इज पहले का जो आ रहा था BS6 का वही इसमें है। सारा कुछ सेम है। ठीक है, और अभी अगर हम कॉस्टिंग की बात करते हैं फुल, मतलब बाइक का ऑन रोड प्राइस क्या जा रहा है, कितने में हम फाइनेंस करा सकते हैं वो आप थोड़ा बता दें। ये आपका गाड़ी का प्राइस जो आ रहा है इसका 1,74,655 है, ये हो गया आपका एक्स शोरूम। इंश्योरेंस आपका आप लेते हैं तो लगभग 11,000 के आसपास इंश्योरेंस है। रोड टैक्स आपका 17,000 के आसपास आता है, ऑलमोस्ट आपका 2,03,000 के अराउंड आ जाएगा ऑन रोड जी, सारा कुछ लेके। हाँ, आपका गाड़ी का ऑन रोड हो गया, एक्स शोरूम इंश्योरेंस आती है। और उसके बाद जो RSA वगैरह रहता है वो RSA उसके बाद अलग से एड ऑन सर्विस में आता है जो कि हमारा अप टू 3 ईयर्स आता है 1499 का, और EW जो है वो आपका अप टू 4 ईयर्स का रहेगा, 2, 3+1 वो आपको रहेगा 2799 का। 2799 का, तो अगर हम ऑल टोटल मतलब RSA भी ले लेते हैं और ये आपका मतलब जो आपने EWS बताया वो भी ले लेते हैं तो सब कैलकुलेट करके ऑन रोड प्राइस कितना जाता है? वो आपका चला जाएगा लगभग 2,07,000 के आसपास चला जाएगा। 2,07,000, मतलब सारा कुछ हो जाएगा। हाँ, जिसमें कि RSA कितना साल का रहेगा? RSA रहेगा आपका 1+2, मतलब कि 1 साल दिया हुआ है, +2 3 साल हो जाएगा। 3 साल, ठीक है। और ये EWS? EW 3+1 है, मतलब कि 3 साल दिया हुआ है, 1 साल प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब 4 साल वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर हम बेसिकली देखते हैं मतलब वेरिएंट वाइज तो ये इसका सबसे टॉप मॉडल हो गया। मिड मॉडल का क्या प्राइस जा रहा है? मिड मॉडल का प्राइस क्या? मिड मॉडल का प्राइस आपको जाएगा ऑन रोड 1,96,196, और सबसे बेस मॉडल का 1,75,175। तो मतलब मिड में और बेस में काफी डिफरेंस है। हाँ, ठीक है, तो ये हो गई फ्रेंड्स यहाँ पे फुल एक्सेसरीज की डिटेल्स, और बाइक का जो डिलीवरी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है जैसे कि आपको हमने वीडियो में दिखाया था। बाकी ये वीडियो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं श्री सन्मति इंटरप्राइजेस में, तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप शोरूम विजिट कर सकते हैं। रहा बात बाइक के स्टॉक्स का, तो स्टॉक्स जो है वो हमें मतलब कब तक अभी अवेलेबल हो जाएगा या बुकिंग पहले कराना होगा? स्टॉक्स अवेलेबल है सारा कलर में, तो नया वाला जो अभी कलर आया था, नया वाला कलर में थोड़ा वेटिंग है,
बाकी ओल्ड जो कलर आ रहा था कलर आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा लगभग सारा कलर। और ये टॉप मॉडल में भी कंपनी ने कोई न्यू कलर ऐड किया है क्या? नहीं, टॉप मॉडल में सिर्फ मिड मॉडल में ऐड हुआ है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे रोहित भैया का, जिन्होंने यहाँ पे हमारी हेल्प की है। अगर आप ग्रिड एरिया से बिलोंग करते हैं, अगर आप शोरूम आ रहे हैं तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये आपको डिस्काउंट वगैरह प्रोवाइड करेंगे एसेसरीज में तो कम से कम जरूर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।